हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर घर की कहानी विद कंचन। और आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। आज मैं लेडीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक होममेड घर की दवा लेकर आई हूँ जो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। बट फ्रेंड्स, मैं ये अपने ऊपर यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसका असर दिखता है, तभी आपको बताती हूँ। अगर आपको इससे कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल ना खाएं, बट बहुत ही अच्छी ये आयुर्वेदिक होममेड नुस्खा है दादी नानी माँ के टाइम का। तो चलिए बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। फ्रेंड्स, अगर आपको सफ़ेद पानी लिकोर या कमर में दर्द हो रहा है तो इस भस्म को ज़रूर से आप बनाइए। अक्सर हम क्या करते हैं कि नारियल खाते हैं, बट जैसे नारियल को हमने छील दिया और उसकी जटा को फेंक देते हैं, तो उसे फेंकना नहीं है फ्रेंड्स। आप स्टोर कर रख लीजिए और जब कम से कम 2-3 नारियल का इकट्ठा हो जाए तो उसे आपको एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में उसे डालकर अच्छे से उसको एकदम ब्लैक कर देना है, राख की तरह बनाना है। जरा भी कच्चापन ना रहे, तो राख की तरह जब हो जाएगा फ्रेंड, तो उसको फिर किसी मलमल के कपड़े से या छन्नी की सहायता से प्रॉपर छान लीजिए और उससे जो एकदम बारीक कण निकलेंगे उसी को आपको यूज़ करना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा मेरा बच्चा है तो कैसा होगा वो बनने के बाद। अगर आपको देखनी है इस कैसे बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं बना के भी दिखा दूँगी। तो थोड़ा सा बचा है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का राख की तरह हो जाएगा, ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छा भस्म है लिकोरिया के लिए। तो इसे आपको लेना कैसे है चलिए बताती हूँ। इसे आपको सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ लेना है और रात में जैसे खाना खाने के पहले आप इसे 1 गिलास गुनगुना पानी के साथ ले सकते हैं 2 टाइम। अगर ज़्यादा आपको धात ये सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है तो, और बहुत ही अच्छा है ये, कैल्शियम की सारी कमी को दूर करता है और कोई नुकसान नहीं है। आप 2 दिन, मात्र 2 दिन खाकर इसे देखिए, बहुत ही अच्छा असर करेगा। और कमर दर्द, आपका सफ़ेद पानी का आना, बार बार टॉयलेट, सारी समस्या को दूर करेगा ये। तो बहुत ही अच्छा ये है, मतलब भस्म। थोड़ा सा खट्टापन से कड़वा सा लगेगा, लेकिन आप पानी के साथ इसको ले लेंगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, बस मुंह में डालिए, पानी पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को।